पिंपल्स और एक्ने देखने में जितने ही छोटे होते हैं उतना ही ज़्यादा असर डालते हैं हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारे कॉन्फिडेंस पे, और ये इमोशनली भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। मुझे खुद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी पिंपल्स और एक्ने की जब मैं कॉलेज में थी, तो जो लोग मुझे कॉलेज से जानते हैं उन लोगों को पता होगा कि मुझे कितनी प्रॉब्लम थी पिंपल्स और एक्ने की। और अगर आपको भी प्रॉब्लम है पिंपल्स और एक्ने की, तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप कैसे पिंपल फ्री स्किन पा सकते हैं, कैसे आप अपने पिंपल को क्योर कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं एक DIY टोनर भी बताने वाली हूँ जो घर पर तैयार होता है, वो भी पूरी तरह से नेचुरल इंग्रेडिएंट से। और अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो आपके लिए ये बहुत इफेक्टिव भी होने वाला है। और ये सब जानने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहाँ पे मैं ब्यूटी व्लॉग लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ एवरी मंडे और थर्सडे। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे या फिर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है एवरी टाइम बेटर करने का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कि कैसे आप पिंपल फ्री स्किन पा सकते हैं, कैसे आप अपने पिंपल्स को क्योर करके एकदम क्लियर स्किन पा सकते हैं। पिंपल्स को क्योर करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी लाइफ को, आपकी सोशल लाइफ को, आपकी स्टडीज को, सबको इफेक्ट करके रखा रहता है। आप अपनी स्टडीज पे भी फोकस नहीं कर पाते हो, हमेशा ये सोचते रहते हो कि कैसे क्लियर स्किन पाएं, कैसे मेरे पिंपल्स क्योर हो जाएंगे। और सोशल लाइफ भी बहुत इफेक्ट होती है, कोई बुलाता है तो आप उसके घर नहीं जाना चाहते क्योंकि आपके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स हैं, आपको एम्बैरसिंग फील होता है। तो चलिए देखते हैं इसका कॉज क्या है, क्यों आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। तो जो हमारी स्किन पे पोर्स होते हैं वो डर्ट की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, या फिर जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उसकी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, तब आपको प्रॉब्लम होती है पिंपल्स और एक्ने की। तो अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप पिंपल फ्री स्किन पा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है राइट क्लींजर यूज़ करना। जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पिंपल्स की और एक्ने की, तो आपको ऐसे फेस वॉश की, ऐसे क्लींजर का यूज़ करना चाहिए जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड क्या करता है कि जो आपके पोर्स में डर्ट है, बैक्टीरिया है या फिर डेड स्किन सेल्स है, वो सारी इम्प्यूरिटीज़ को डिजॉल्व कर देता है और आपके पोर्स को अनब्लॉक करता है। तो इसकी वजह से आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आपको ये जानना है कौन कौन से ऐसे फेस वॉश हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, तो मैं आपको बता भी दूंगी और स्क्रीन पे भी नाम ऐड कर दूंगी पिक्चर के साथ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं नाम ऐड कर दूंगी। तो मैं आपको बता दूं, लॉरियल पेरिस का गो 360 डिग्री क्लीन करके फेस वॉश आता है जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है। बाकी न्यूट्रोजिना के बहुत सारे फेस वॉश होते हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, तो आप उन्हें यूज़ करिए। आप किसी भी शॉप से भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको शॉप्स पे नहीं मिल रहा है तो आप अमेजोन से ले सकते हैं। तो इन फेस वॉश को आप ज़रूर एक ट्राई दीजिएगा, ये बहुत इफेक्टिव होने वाला है। क्योंकि जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी पिंपल्स की और एक्ने की, तो मैंने इन्हीं को यूज़ किया था और मेरे लिए ये बहुत इफेक्टिव था। तो अगर आपको लग रहा होगा कि ये आपकी स्किन को ड्राई कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती है सैलिसिलिक एसिड की कि ये आपकी स्किन को ड्राई कर दे। इसमें बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी होती है, लाइक 0.5 या 0.2 होती है। तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा, इसे ट्राई आप ज़रूर करिएगा। मैं अभी भी न्यूट्रोजिना का फेस वॉश यूज़ करती हूँ, इसमें सैलिसिलिक एसिड है आप देख सकते हैं, और मैं सिर्फ इसका एक पंप लेती हूँ। ये मेरे लिए मोर देन सफिशियंट है और मैं इसे सिर्फ एक बार यूज़ करती हूँ। रात में सोने से पहले जब मैं अपना स्किन केयर रूटीन करती हूँ, तभी मैं अपना फेस इससे वॉश करती हूँ, और एक बॉटल फेस वॉश मेरा 5-4 महीना आराम से चल जाता है। आपको अपना फेस टॉवल हमेशा क्लीन रखना चाहिए अगर पिंपल फ्री स्किन चाहिए तो इसलिए मैं हमेशा मसलिन क्लॉथ का यूज़ करती हूँ। ये बहुत छोटा सा और बहुत थिन होता है, तो इसको जब भी मैं धुलती हूँ ये तुरंत 1 घंटे में सूख जाता है, और मैं इसे हर 2 दिन के बाद धुल देती हूँ, जिसकी वजह से ये हमेशा क्लीन रहता है। और ये पूरी तरह से प्योर कॉटन का है, तो ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो दूसरा स्टेप ये है कि ज़्यादा एक्सफोलिएटर का यूज़ ना करें, हफ्ते में सिर्फ एक बार यूज़ करें। लेकिन अगर पिंपल्स है तो उसे भी स्किप कर दें, क्योंकि क्या होगा कि जब आपके स्किन पे पिंपल्स है तो आप स्क्रबिंग करेंगे तो आपके पिंपल्स पे वो घाव कर देगा जो कि बहुत गहरा निशान छोड़ेगा, और दूसरा ये भी होगा कि इधर उधर इन्फेक्शन फैला देगा आपकी स्किन पे, तो और भी जगह पिंपल्स निकलने लगेंगे। स्टेप 3 ये है कि मॉइस्चराइजर का यूज़ ज़रूर करिए। जब आपकी स्किन अगर ऑयली है तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का यूज़ करें, लेकिन मॉइस्चराइजर स्किप ना करें, क्योंकि जब आप मॉइस्चराइजर का यूज़ नहीं करते हैं स्किन आपकी डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, तो ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं वो ओवर प्रोड्यूस करती हैं ऑयल को, जो कि स्किन को और वर्स कर देता है। तो मॉइस्चराइजर का यूज़ ज़रूर करें और अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए बहुत सारा पानी पिएं। और स्टेप नंबर 4 ये है कि सोते समय आप जिस पिलो का यूज़ करते हैं उस
पिलो का कवर जो है हमेशा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि उस पर अगर डर्ट रहेगा या फिर वो गंदा रहेगा तो उस पर बैक्टीरिया होंगे, और आप जब सोएंगे तो आपका चेहरा ऐसे तो पड़ेगा ही, तो वो क्या करेगा कि आपकी स्किन पे बैक्टीरिया ट्रांसफर कर देगा और आपके स्किन पे पिंपल्स की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमेशा अपना पिलो कवर साफ रखें। और स्टेप नंबर 5 ये है कि कभी भी आप अपने पिंपल्स पे एक्ने पे टूथपेस्ट लगा के उसको और वर्स नहीं करिए। इससे क्या होगा कि आपका पिंपल्स और एक्ने और इरिटेट हो जाएगा और वो और ख़राब हो जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। कि जब भी आप सनस्क्रीन का यूज़ करें वो ध्यान रखिए कि वो ऑयल फ्री हो और नॉन कोमेडोजेनिक हो, ताकि वो आपकी पोर्स को ब्लॉक ना करे। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को ना छुएं, क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा आपका हाथ एकदम क्लीन ही हो। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपके हाथ में बैक्टीरिया हो और आप अपने चेहरे को ऐसे छू रहे हैं तो आपके हाथों से बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो गया आपकी स्किन पे और वो कॉज कर दिया पिंपल्स को। तो बार बार हाथ से स्किन को ना छुएं। और अब मैं तैयार करने जा रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल सा टोनर, जो कि आपके पिंपल्स और एक्ने को ख़त्म करने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये टोनर कैसे बनता है। मैंने लिया है एलोवेरा, टी ट्री एसेंशियल ऑयल, ग्लिसरीन एंड रोज़ वाटर एंड विच हेजल। ग्लिसरीन ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये एयर से वाटर को ड्रॉ करके स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है, साथ ही ये स्किन में मॉइस्चर को लॉक कर देता है। और रोज़ वाटर बहुत अच्छा होता है, ये पोर्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको क्लीन करने का काम करता है और पोर्स को अनक्लॉक करता है। एलोवेरा के अंदर बहुत ही हाई कंटेंट होता है वाटर का, ये स्किन को हाइड्रेट करता है और कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट देता है, साथ ही मॉइस्चराइज करता है। विच हेजल के अंदर बहुत ही हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्किन डैमेज को रोकता है। टी ट्री ऑयल में प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबायल, जिसकी वजह से ये अगर पिंपल्स में स्वेलिंग है और रेडनेस है तो उसको काम डाउन करता है, साथ ही ये पिंपल्स के स्कार्स को भी रिमूव करने का काम करता है। और अगर आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं टी ट्री ऑयल तो आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी कुछ ही दिनों में। लेकिन आप जब भी टी ट्री ऑयल यूज़ कर रहे हो आपको ध्यान रखना है कि एक बार के यूज़ के लिए एक ड्रॉप ही यूज़ करें, एक ड्रॉप से ज़्यादा यूज़ ना करें। ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो एक ड्रॉप बहुत है। मैं इसे बना के नहीं रखती हूँ, मैं जितनी बार भी लगाती हूँ उतनी बार भी मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई डार्क कलर की बॉटल नहीं है और आप एसेंशियल ऑयल को किसी ट्रांसपेरेंट बॉटल में नहीं रख सकते। ये बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए मैं जितनी बार भी अप्लाई करती हूँ उतनी बार मैं नया बनाती हूँ। तो इस वीडियो में मैंने जितने स्टेप्स बताए आपको, अगर आप उन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपके पिंपल्स और एक्ने जरूर से और जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि पिंपल्स और एक्ने की वजह से जो स्कार्स हो गए हैं आपके चेहरे पे उसको कैसे क्लीन करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को और लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।